से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, उस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो क्या बोल रही है फालतू? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। इस घर में रहते हुए कोई खुश ना रखो, ये लोग किसी को खुश ना रहने दे रही हूँ। वैसे भी आठ सबको बाहर लाने का और कोई तरीका हमारे को समझ ना आ रहा, इसलिए होगा कि मैं इस घर से चली जाऊँ। सर जनादा सर, फालतू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैं यहाँ से एंड रोल एंड रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन। फालतू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। होल्ड वेट, सब लोग लुक दिए, वेट 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 एंड मूव। फालतू इस घर की बड़ी बहू क्या करता पीछे आड़ा बस एंड सर बॉडी या ओके ओके यहाँ आपके आने सर एक बार प्लीज एंड रोल बोले एक्शन। फालतू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, हरियाणा की बीवी, इस परिवार का हिस्सा हो तुम। परिवार को छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगी। जो कुछ भी हुआ है सब तनिषा की वजह से।
किसी को घर छोड़कर जाना चाहिए तो वो तनीषा है, पर वो तो जाने से गई। हम सब अपना सामान पैक करेंगे, हम ये घर छोड़कर जाएंगे, मैंने डिसाइड किया है। ये ऊपर साहब फिक्रिंग हो रहा है। बबू भाई, मैंने डिसाइड किया है कि हम घर छोड़ के जाएंगे, सब साथ और ऐसे जिल्लत के साथ इस घर में रहने से अच्छा होगा कि हम इज्जत सड़क पे रहें। ऐसी जिल्लत के साथ इस घर में रहने से बेहतर होगा कि हम सड़क पर इज्जत से रहें। बाबा भी ये कह रहे हैं। बस तुम्हारी वजह से बाबा भी ये कह रहे हैं, तुम्हारे को कुछ समझ ना आ रहा। आज नहीं, हमेशा तुम्हारी बात मानकर मैंने अपना ये फैसला डालता रहा कि बोले नहीं फालतू। आज नहीं, हमेशा तुम्हारी बात मानकर मैं अपना ये फैसला डालता रहा, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सब लाइन हो गई सर, अब इनका चेहरा मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं है। चलो यहाँ से, यहाँ सर झुकाने से अच्छा है होगा कि हम कहीं और रहे। एंड अब इनका चेहरा मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं। चलो यहाँ से बस इतना होगा। रोल रोलिंग एंड रोल रोलिंग एक्शन। अब तो मुझे इनका चेहरा एक पल भी बर्दाश्त नहीं। चलो यहाँ से। सिद्धार्थ बड़े आप तुम तो चुप रहो। नहीं एक सॉरी हाँ बिल्कुल। एंड रोलिंग सर मैं पढ़ ले सकता हूँ ना? आप पढ़ ले सकते हैं। एंड एक्शन। चलो यहाँ से। बड़े पापा आप लोग प्लीज, मुझे लग रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज एक बार सोच लीजिए। तुम तो चुप रहो, कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं। कोई गलत। एंड रोल रोलिंग एंड एक्शन। इनका चेहरा देखने से बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। चलो सब लोग। बड़े पापा आप लोग जल्दबाजी में ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज एक बार सोच लीजिए। तुम चुप रहो सिद्धार्थ, मैंने तुमसे एडवाइस मांगा है, नहीं तुम्हारी मदद। अगर हम साथ हैं तो ऐसे कोई मुसीबत नहीं होगी हमारी जिसका सामना हम ना कर पाएंगे। एंड अगर हम साथ हैं तो रोलिंग एंड एक्शन। अगर हम साथ हैं ना तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक रहे। आशा ने बोला बाबा बाबा आप क्या बोल रहे हैं, मेरा एक बच्चा है जो अभी ठीक से एक महीने का भी नहीं हुआ, और हम उस नन्ही से जान को लेकर कहाँ भटकते फिरेंगे। उसके बारे में मैंने सोचा कि चुप कुछ दिनों के लिए तुम आयशा और बच्चे को माइक एंड रोलिंग मोड 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 मेरा मोड एंड रोलिंग एक्शन। उसके बारे में मैंने सोचा कि चुप कुछ दिनों के लिए तुम आयशा और बच्चे को माइक छोड़, ऐसे परेशानी में बच्चों को। हमारे बच्चे को जितनी माँ की जरूरत अपने बाप की भी जरूरत है, और हम जिस सिचुएशन पे हैं किसी को नहीं पता कि कब तक चलने वाली है, पर इतने दिनों तुम अपने बच्चे से दूर रहोगे। देखा लोग बोल रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लड़ते जा रहे हैं, आप लोगों का सबका रिएक्शन देखा। और दादी ने बोला ये क्या हो गया सर, जब ये बोलता है कि हाँ मैं आयशा को भेज रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्माइल कर दूंगा कि मेरा प्लान नहीं था। दादी ने बोला तुझे क्या हो गया आयशा, हम सब चाहते हैं कि लड़कों को अच्छे से अच्छी परवरिश मिले, पर घर में जो चल रहा है उसके बारे में तो तू जानती है ना बेटा। आई वो पूरा लेते हैं ये वाला एंड ऑर्डर रेडी रोल। अच्छा ऐसे कर लो, से ले ले एक बार। हां ले लेते हैं। हां ऐसे कर लो। यहां से दादी ने बोला, यहां से आशा ने बोला बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, किंजू प्रॉपर बोल।